हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज मैं बात करूंगा इंडियन एयरफोर्स के बारे में। देखिएगा, आप सभी को मैंने दो दिन पहले ही आपको बताया था कि जून के लास्ट वीक में कोई ना कोई नोटिस, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी पेपर की, और जुलाई में पेपर होगा। ये मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था, और दो चार दिन पहले भी आपको बताया था। हर बार ये बोला था कि जुलाई में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब आपके पास कोई टाइम नहीं। अब सबसे बड़ा एक ही सवाल है कि सर, पेपर का टाइमिंग हमें पता चल गया कि अब जुलाई में होने वाला है, और जून ये निकल चुका, तो सर अब करें तो करें क्या? बिकॉज हमारे पास इतना सारा टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा समय हम दे सकें। देखिएगा दोस्त, यदि आपको पेपर पास करना है तो मेरी इस बात को बड़े अच्छे से आप समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। पहली बात तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ट्रस्ट ऐसा करना पड़ेगा कि यानी कुछ भी हो जाए, सर जो बोल रहे हैं उसको हमें पालन करना ही करना है। यदि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो, एयरफोर्स हो या नेवी हो या कोई भी पेपर हो, यार मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, आपका पेपर जुलाई में होगा, इसमें नो डाउट। नेवी का पेपर भी हो रहा है, कोस्ट गार्ड का भी हो रहा है, सभी पेपर्स हो रहे हैं। अब जिन जिन का भी उन्होंने फॉर्म भरा था, वो अपनी तैयारी को कैसे मजबूत करें, पहली बात। अब जितना आपने पढ़ा उस सब का तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और आपका एक सबसे बड़ा सवाल होगा कि सर, इंग्लिश हमारा वीक है। याद रखना, एयरफोर्स के अंदर इंग्लिश सेक्शन जिसका बहुत मतलब मजबूत होता है ना, उसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इंग्लिश बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इंग्लिश के अंदर बस एक ही भरोसा कर लेना, इससे पहले जितने भी सेलर हैं ना, जितने भी एयरमैन बने हैं, उनको अगर आप पूछेंगे तो वो हमेशा रामसर का नाम लेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि पेपर में जो जो चीज़ें आती हैं वो रामसर ज़रूर बताते हैं। और याद रखना, अब मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, उन प्लेलिस्ट को आप कैसे भी करके, चाहे दो दिन में, चार दिन में, अगर आपको पेपर एग्जाम क्वालिफाई करना है और बेहतरीन स्कोर प्राप्त करना है, तो उन सभी वीडियोज़ को आप देखिएगा, रेगुलर देखिएगा, रेगुलर वीडियोस आएंगी। बस भरोसा करके चलना मेरे दोस्त, आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। आपका एग्जाम है जुलाई के अंदर, बहुत कम समय है, तो जो भी समय है उसके अंदर बेहतरीन क्लासेस आपको देने की प्रोवाइड करूंगा, और बहुत ज्यादा क्लास में दे चुका हूं। तो उनको यानी जो क्लासेस आपके भाई जो एयरमैन बन गए, सेलर बन गए, उन्होंने जो क्लासेस पढ़ करके उन्होंने जो एग्जाम क्वालिफाई किया ना, वही क्लासेस से भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिएगा, सबसे बड़ी परेशानी होती है कि चारों तरफ हर कोई अपने अपने रास्ते बताते हैं, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि मैं जाऊं तो जाऊं किधर, इधर राम सर भी सही कह रहे हैं, इधर वो सर भी कह रहे हैं, अब मैं जाऊं किधर। याद रखना दोस्त, भरोसा एक पर करना होगा। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि जिस विद्यार्थी ने मात्र 10 से 15 दिन भी अगर लगातार क्लासेस जो प्लेलिस्ट हैं उन सबको देख लिया, मैं लिखित में दे सकता हूं कि आप एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, कोस्ट गार्ड के अंदर कभी भी कोई भी स्कोर आपका कम नहीं रह सकता। और SSC MTS वाले तो बच्चों का खेल है। अब कि कोई भी आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि जो मैंने पढ़ाया वो नहीं आता हो, ऐसा नहीं है। आप अपने सेलर, अपने एयरमैन भाइयों से पूछेंगे कि क्या सर का पढ़ाया हुआ आता है या नहीं आता है, तो उनका जवाब 101% ये होगा कि वास्तव में ही आता है। और ऐसा जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके ही कमेंट ये होंगे कि सर एकदम मज़ा आ गया, पेपर क्या आपने ही बनाया था क्या? तो भरोसा करके और रेगुलर आप देखिएगा, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत जल्दी काम कर रहा हूँ, वो भी ख़त्म हो जाएगा आज या कल में। तो बस अपनी क्लासेस को रेगुलर रखिएगा, और प्लेलिस्ट को आप रेगुलर देखिएगा, एक देखिए, 10 देखिएगा, 5 देखिए, जो भी आप समय मिल रहा है उस हिसाब से। लेकिन इंग्लिश के अंदर आपका स्कोर जितना बेटर होगा, उतना ज़्यादा आपका स्कोर यानी ओवरऑल स्कोर हो पाएगा। इंग्लिश को जितने भी जो बच्चे हैं उनका अगर कम स्कोर, देखो इंग्लिश क्या होता है, इस पेपर के अंदर स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अगर आप उसमें ही कम नंबर लाएंगे तो जाहिर है ओवरऑल जो स्कोर होगा वो कम हो जाएगा। तो इंग्लिश के अंदर एक बेहतरीन स्कोर प्राप्त करने के लिए मेरे पर भरोसा करो। और इसमें मैंने हमेशा बताया है कि जो प्लेलिस्ट हैं वो मैं आपको दे दूंगा अच्छी अच्छी वीडियोज़ का, उनसे पढ़ करके और रेगुलर जो वीडियोज़ आ रही हैं उनको देख करके, और आपका जो भी सजेशन होगा वो मैं अभी कमेंट चेक कर लूँगा जो आप भेजेंगे, उनको भी मैं स्वीकार करके जो भी बेहतर होगा वो मैं आपके लिए करूँगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, अरे टेंशन नहीं लेना है पेपर के लिए। जो बच्चे बेचारे निराश हैं, सर जी अब हम क्या करें, यही चांस था, नेवी ने एडमिट कार्ड नहीं दिया, तो मेरे दोस्त देख परेशान मत हो, पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए प्लेलिस्ट का मैं लिंक दूंगा, उन सभी वीडियोस को तुम अच्छे से देख लेना, नोट्स बना लेना अगर टाइम है तो, नहीं तो 2-3 बार देखेंगे तो भी चलेगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो विद्यार्थी जिनको ऐसा लगता था कि यार हमारा तो होगा ही नहीं, यार उनका ही होगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो चलेगा, जो भी नई जानकारी होगी वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, तो अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, GK के लिए पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर आपके लिए स्पेशल मैं क्वेश्चंस को उसमें ऐड कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ, तो उन वीडियोस को देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आपका अगर जिसमें GK आता है, स्टैटिक एंड करंट अफेयर आता है, उनको आपको नहीं देखने पड़ा, ठीक है, उसको आप थोड़ा पढ़िएगा। थैंक यू।